शेफ मनीष गुप्ता सेंट सोल्जर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से। आज आपको मैं पोटैटो 65 सिखाऊंगा। ये जो मैं डिश है इसमें इंग्रेडिएंट यूज कर रहा हूँ वो है अनियन, गार्लिक, चॉप्ड चिली, कॉर्नफ्लावर, फ्लावर, सॉल्ट और करी लीव्स। और मेरे साथ है वन ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट अमित सिंह, जो मेरे साथ मेरी हेल्प करेंगे। चलिए सबसे पहले हमने लिए पोटैटो, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है और 3 से 4 बार पानी में वॉश कर लिया है। वॉश इसलिए किया है ताकि जो उसमें स्टार्च है वो सारा स्टार्च निकल जाए। शेफ प्लीज। अब शेफ प्लीज इन्ग्रीडियंट डालेंगे। ये मैंने सॉल्ट डाल दिया। ये हम रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं इसमें। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून फ्लावर, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें चॉप्ड अनियन और थोड़ा डालेंगे हम इसमें चॉप्ड गार्लिक और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये जो पोटैटो है अपना पानी छोड़ेंगे, इसे हम इसमें पानी नहीं डाल रहे। आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। चाहे आप रेड चिली पाउडर डाल लो। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसके बनाएंगे डंपलिंग्स। हमारा शेफ डंपलिंग बना रहा है। अभी डंपलिंग बनाने के बाद फ्राई होंगे। अभी हम बना बना के साइड में रख रहे हैं, बाद में जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इनको फ्राई कर लेंगे। हम तेल पे देख रहे हैं, अभी तेल हमारा गर्म नहीं हुआ है। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब शेफ इसमें अपने डंपलिंग्स डालेंगे। हम डम्पलिंग को हाफ डन करेंगे। जैसे ये थोड़े कलर में आएगा हम इसको बाहर निकाल देंगे, उसके बाद दोबारा एक बार फिर फ्राई करेंगे।
डंपलिंग हाफ डन हो गए हैं, अब इनको हम दोबारा से फ्राई करेंगे फुल डन करने के लिए। इस तरह हम एक एक करके हमारे सारे डंपलिंग इसमें डाल लेंगे। जब तक हमारे डंपलिंग फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मुझे थोड़ा दही चाहिए। और दही में हम डाल लेंगे हमारे थोड़े से मसाले। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च, थोड़ा सा नमक और इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से इसको बीट कर लेंगे। अब हम देखते हैं अपने हमारे ये डंपलिंग फ्राई हुए कि नहीं हुए। ये देखिए जैसे एकदम कड़क होने चाहिए, अगर हाथ मारो तो टक की आवाज आनी चाहिए इसमें। अब हमारे हो गए हैं, अब इनको हम बाहर निकाल दें। सेकंड प्रोसेस शुरू कर दिया। मैंने गैस के ऊपर रखा है ये फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन में मैंने तेल डाला है। जैसे तेल हमारा गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड सीड्स। जैसे क्रैकल कर जाएंगे गर्म हो रहे हैं, जैसे ये गर्म होते हैं वैसे स्पटर कर जाते हैं। तो और इसमें डालेंगे हम करी लीव्स। करी लीव्स डालने के बाद उसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून अनियन। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून हमारा चॉप गार्लिक। वन टी स्पून ऑफ ग्रीन चिली, थोड़ा स्पाइसी होगा। आज जब मैंने दही के साथ बैटर बनाया था तो उसमें इसको डाल देंगे। जैसे हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे हमारे डंपलिंग। कलर करने के लिए इसमें डालेंगे हम देगी मिर्च। देगी मिर्च डालने के बाद हम डालेंगे हमारी डंपलिंग। थोड़ा इसका
इसमें जाएगा पानी, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएंगे। हमने थोड़ा सा डाल दिया इसमें पानी। डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसको इधर हम टॉप करेंगे हल्का सा। आप चाहो तो इसमें लेमन भी डाल सकते हो। ये हमारा बन के रेडी हो गया, गैस कर देंगे बंद। इसको हम एक बॉल में डालेंगे, हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसको हम बॉल के अंदर डालेंगे। सारा का सारा भी इसमें बॉल में डाल देंगे।